हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स। और आज है हम केमिस्ट्री में अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल मींस एसिड, क्षार मींस बेस और लवण मींस सॉल्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसके एक पॉइंट क्लियर हो और आप इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना करके आएँ और फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। अगर मैं एक छोटी सी लैंग्वेज में आपको बोलूं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, तो दोस्तों अम्ल जो भी आपको खाने में स्वाद में कोई चीज़ अगर आपको खट्टी लगती है, इट मींस वो क्या है, वो अम्ल है, एसिड है। क्योंकि एसिड क्या होता है, खट्टा। किसी चीज़ का खट्टा होना ही एसिड होता है, अम्ल होता है। अगर हम बात करें क्षार की, तो क्षार मींस होता है किसी भी चीज़ का खाने पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं या कोई भी केमिकल रसायन जो जो कड़वा होता है, वो होता है क्षार। और अम्ल और क्षार से मिलकर बनता है लवण, सॉल्ट। अम्ल और क्षार से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, सॉल्ट, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं लवण। तो आपको क्लियर हो गया होगा, अगर मैं एक आम भाषा में बात करूं तो खट्टा, अम्ल, क्षार, बेस जिसे कहते हैं कड़वा, लवण मतलब सॉल्ट जिसे कहते हैं, वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, साधारण नमक भी एक उसका उदाहरण होता है दोस्तों। अम्ल और क्षार से मिलने से बनता है लवण। तो एक एक करके शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल, एसिड। अम्ल मतलब एसिड, इसका तात्पर्य होता है खट्टा, इंग्लिश में बोलते हैं सॉर। ठीक है, ये क्या करता है, ये जल में घुलने से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अम्ल क्या निकालता है दोस्तों, अम्ल एच प्लस आयन निकालता है, जबकि क्षार जो है वो ओ एच माइनस आयन निकालता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। जब अम्ल को जल में घोला जाता है, जब किसी भी खट्टे पदार्थ, किसी भी अम्ल एसिड का रिएक्शन अगर पानी से कराया जाता है, तो कौन सा आयन निकलता है, एच प्लस आयन निकलता है, और एच प्लस आयन का होना ही उसे खट्टा करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एसिड का खट्टा होना पूछ सकता है क्यों होता है, एच प्लस आयन के कारण ही एसिड जो है वो खट्टा होता है। अब ये क्या करता है, ये यही गुण इसका क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्वेश्चन आएगा तो आप किस पर टिक करेंगे, अम्ल पर। कैसे, आप जब केमिस्ट्री में आप छोटे होंगे तो आपने लैब में काम किया होगा, तो आपको एक नीले रंग का पेपर दे दिया जाता है और उस पेपर पर आपको एसिड डालते हैं, तो वो लाल में कन्वर्ट हो जाता था और हम बड़े खुश होते थे कि कैसे हो गया। तो वो ये एसिड की वजह से ही होता था। एसिड क्या करता है, नीले पत्र को किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, लाल में कर देता है। ये बात आपको सीधी सीधी याद रखनी है, ठीक है। अब एसिड कौन से होते हैं, एसिड वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों एक चीज़ आती है पीएच की फुल फॉर्म, ठीक है। पीएच मान मैं भी आगे पढ़ाऊंगी, कुछ चीज़ों के पीएच मान मैं आपको बताऊंगी। तो पीएच मान में आपको पहले पीएच की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना हाइड्रोजन का पोटेंशियल कम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो अम्लीय होता है। और जितना ही हाइड्रोजन का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, 7 से ऊपर निकल जाता है, तो वो क्षारीय होता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वो क्षारीयता उसकी बढ़ती जाती है, ठीक है। और जितना हाइड्रोजन वो कम होता है, उतना ही वो ज़्यादा खट्टा होता है, ठीक है दोस्तों। तो पीएच मान अगर 7 से कम है, तो आप याद रखेंगे वो क्या है, वो अम्ल है, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अगर उसमें 7 से कम है, तो वो क्या है, अम्ल है। अम्ल बढ़ते हुए क्रम में ही चलता है, ये भी एक जो होता है उसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है, वो सबसे ज़्यादा खट्टा होगा। और उसमें वो आता है बैटरी जो होती है, बैटरी में जो एसिड पाए जाते हैं वो सब वगैरह आते हैं, फिर नींबू आता है, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जाता है आगे और आगे, फिर वो क्षार्य में कन्वर्ट होता चला जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे पीएच मान क्या होता है दोस्तों, इसका 7 से कम होता है, कम होता है। अम्ल के प्रकार, अब मैं अगर बात करूं अम्ल के प्रकार की, तो दो तरह के अम्ल हो सकते हैं। एक जो प्राकृतिक मिलते हैं, जैसे फलों में निम्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। और एक वो अम्ल हैं जो हम खुद रासायनिक क्रियाओं के थ्रू बनाते हैं, तो वो कौन से अम्ल होते हैं, मिनरल या सिंथेटिक अम्ल, ठीक है, या फिर एसिड। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, एसिड दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक,
जो खुद होते हैं, अपने आप होते हैं, और एक जो रासायनिक क्रियाओं के थ्रू बनाए जाते हैं, जिसका उदाहरण है इसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं, सब मिनरल एसिड के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। अभी हम इसको और अच्छे से देखते हैं क्या कैसे इसके प्रकार में होते हैं और ये कैसे फर्दर कैटेगराइज करा जाता है। इसमें भी ये कैटेगराइज होता है सबल अम्ल और कमज़ोर अम्ल, या जिसे कहते हैं दुर्लभ अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा सबल अम्ल है या निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ अम्ल है। सबल अम्ल क्या होता है, दुर्लभ अम्ल क्या होता है दोस्तों? सबल अम्ल क्या होता है, जिसमें जब हम जल में मिलाते हैं अम्ल को और वो पूर्ण वियोजित हो जाता है। ठीक है, मतलब पूर्ण वियोजित मतलब पूर्ण वियोजित मतलब होता है विखंडित हो जाता है, वियोजित माने टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, पूर्ण वियोजित हो जाता है। जो अम्ल जल में घुलकर टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो कौन से अम्ल होते हैं दोस्तों? सबल अम्ल होते हैं। और वो अम्ल जो घुलकर पूर्ण वियोजित ना होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन तो देते हैं लेकिन पूर्ण वियोजित नहीं होते, मतलब क्या होता है, टूटते नहीं हैं। कुछ अम्ल पानी के साथ जाते तो हैं लेकिन उसके साथ विखंडित नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, वो होते हैं दुर्लभ अम्ल। और जो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो कौन से अम्ल होते हैं? सबल अम्ल। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम्पल्स, कौन कौन से सबल अम्ल हैं और कौन कौन से दुर्लभ अम्ल हैं या कमज़ोर अम्ल हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सबल अम्ल होता है, जिसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नेट पर सर्च करते हैं अम्लों का राजा तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, दैट इज H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी मैंने पीछे बताया था, नाइट्रिक एसिड HNO3 और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इनके सबके रासायनिक सूत्र भी आप ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये चारों के नाम आप याद रखेंगे, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, चारों क्या हैं? सबल अम्ल हैं। अगर मैं बात करूँ कमज़ोर अम्ल या दुर्लभ अम्ल की, तो कौन कौन से दुर्लभ अम्ल होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखे हैं सभी ऑर्गेनिक एसिड अर्थात प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अम्ल क्या होते हैं? दुर्लभ अम्ल ही होते हैं। जो प्राकृतिक स्रोतों से आपको अम्ल प्राप्त होते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, ये सारे एसिड क्या होते हैं? ऑलमोस्ट दुर्लभ अम्ल ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, जैसे टार्ट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H6O6। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्या होता है, CH3COH H2CO3। ऑक्जैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, COOH2, चेंज करके भी लिखा होता है, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है C2O4H2। ठीक है, इस तरह से भी इसका फॉर्मूला होता है ऑक्जैलिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। तो आप ध्यान रखेंगे दुर्लभ अम्ल मतलब जितने भी प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं, अभी आगे की उसमें मैं प्राकृतिक अम्ल ही बताऊंगी, तो वो सारे अम्ल क्या है दोस्तों? दुर्लभ अम्ल हैं। आप सबल अम्ल याद कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस तरह वाले अम्ल जो है सल्फ्यूरिक, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस टाइप के अम्ल जो बनेंगे वो क्या होंगे, वो याद रखिए सबल होंगे। और जो प्राकृतिक टार्ट्रिक, सिट्रिक और ये जितने भी जो नेचुरली पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं आपके? दुर्लभ अम्ल होते हैं और कमज़ोर अम्ल के जिसे हम कहा जाता है। अम्ल को कुछ और कैटेगरी में भी डिवाइड करा जाता है या कुछ और तरह से भी विभाजित किया जाता है। एक होता है सांद्र और तनु अम्ल, ठीक है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है। ऑप्शन दे देगा कि सांद्र अम्ल क्या है तो आपको बताना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जलीय घोल जिसमें अम्ल का घटक का आयतन सर्वाधिक हो और अम्ल नहीं घुल सके, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आप इसमें तो डेफिनेशन वैसे करके देखिए, इसकी सीधी सी बात ये है, क्या होता है अम्ल, क्या होता है जल के साथ घुलता है। जब अम्ल की मात्रा, क्योंकि दोनों घुलेंगे तभी तो कुछ बनता है, तभी तो बनेगा, ठीक है, तभी तो आपका
वियोजन होगा, तो जब अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो वो सांद्र अम्ल होगा, और जब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो वो कौन सा होगा, वो तनु अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और तो याद रखेंगे जिन जिनमें अम्लों की मात्रा ज्यादा होती है पानी के मुकाबले, वो कॉन्सेंट्रेटिक एसिड होते हैं, ठीक है, और वो घुल नहीं पाते सही से अम्ल उसमें। जिसमें क्या होता है अम्ल कम होता है और क्या होते हैं जल की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, तो वो कौन से अम्ल होते हैं, वो तनु अम्ल होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये वाली बात, सीधी सी बात थी। अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं, अम्ल धातु के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और अम्ल क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। मैंने बताया था अभी पीछे जब स्टार्टिंग में आपको मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी कि जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण। और कौन सी गैस कौन क्या किसका किस साथ में क्या निकालते हैं, H2O, पानी, जल। तो आप ध्यान रखेंगे जब क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहे होंगे तो लवण प्लस H2O होता है, लेकिन जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण तो बनाता है, साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि लवण जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभी आपको मैंने बहुत सारे पीछे वीडियो में धातु पढ़ाए थे, तो किसी के धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पर नोट के अंदर लिखी हुई है, कार्बोजेलिक अम्ल और अल्कोहल के मिलने से क्या बनता है, एस्टर बनता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको एस्टिक एसिड बताया था, ये बताया था। तो कार्बोजेलिक अम्ल, एक अम्ल होता है जिसका नाम क्या होता है, कार्बोजेलिक अम्ल और अल्कोहल, याद ही करना पड़ेगा आपको ये, कार्बोजेलिक अम्ल और अल्कोहल के मिलने से बनता है एस्टर। और ये एस्टर मीठा स्वाद का होता है, आप जो माजा पीते हैं या कोई भी फ्रूटी या ऐसे जो पदार्थ पीते हैं, ये एस्टर जो होता है वो आम के स्वाद जैसा ही होता है, और उनमें क्या मिला होता है, ये एस्टर ही मिला होता है। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये एस्टर वाली बात आ गई है, ये जिसमें कार्बोजेलिक अम्ल और अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, क्या मिलकर बनाता है, वो बनाता है एस्टर। और ये एस्टर आपके माजा फ्रूटी वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल, प्राकृतिक अम्ल जो नेचर में पाए जाते हैं और जिनसे क्वेश्चन, चाहे आप दोस्तों SSC देख लो, चाहे IAS, PCS कोई सा भी पेपर देखो, प्राकृतिक अम्ल से इनमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। कैसे पूछा जाता है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनॉइड अम्ल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें, सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। इमली अंगूर कच्चा आम में टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टमाटर में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल होने के कारण ही ये धब्बों को हटाने में भी मदद करता है, अगर कोई दाग धब्बा लग जाता है कपड़े पर तो उस पर अगर हम टमाटर लगा देंगे वो हट जाएगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है क्यों हट जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल के कारण हट जाता है। नींबू में कौन सा होता है, सिट्रिक होता है। दही में कौन सा होता है, लैक्टिक, दूध में तो लैक्टिक वाला आ जाता है। चाय और सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल। आंवला और अमरूद में क्या होता है, एस्कॉर्बिक। आंवला और अमरूद में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। याद रखिए दोस्तों, हमारे पेट में भी एक अम्ल पाया जाता है, मैंने जब आपको बायोलॉजी में जठर ग्रंथि बताई थी, पेट में हमारे, जब मैंने आपको आमाशय पढ़ाया था, पेट में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक एसिड बनता है हमारे आमाशय में और उसका नाम क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये याद रखेंगे। कार्बोनिक अम्ल किस में पाया जाता है, सोडा वाटर में। ठीक है, बिच्छू के डंक और सांप के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। घास पत्ता और टॉयलेट में कौन सा अम्ल होता है, बेंजोइक एसिड। दोस्तों प्लीज़ ये सारे आप याद कर ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टमाटर, नींबू संतरा, सिट्रिक एसिड, चाय में मैलिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें ध्यान से, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि कभी कभी इसी से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने दोस्तों अम्ल को लेकर अलग अलग बात कही है, तो वो आप तीनों साइंटिस्ट हैं, उन तीनों की बातें सुन लीजिए कि क्या क्या उन्होंने कहा है, और ये बात आपके काम आ सकती है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। आर्हेनियम ने क्या कहा है कि ये जल में घुलकर क्या बनाते हैं, H+ आयन। सिंपल सी बात है, मैंने वैसे भी बताया है कि अम्ल जल में घुलकर क्या निकालते हैं, H+ आयन निकालते हैं। तो ये किस बात, ये किसने कही है, ये आर्हेनियम ने कही है। ठीक है, बॉर्नेस्टेड और लोरी के अनुसार क्या उन्होंने
ने क्या कहा है कि क्या कहता है, ये प्रोटॉन का त्याग करता है, ये दूसरे तत्वों को क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ये प्रोटॉन का त्याग करता है, ठीक है। जब किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलता है तो किसका त्याग करता है, ये प्रोटॉन का त्याग करता है। और ये किसकी थ्योरी के हिसाब से है, बोरनस्टेड और लोरी की थ्योरी के। लुइस ने क्या कहा है कि अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अम्ल क्या करता है, जब किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की उसे ज़रूरत पड़ती है। लेकिन याद रखिए, जबकि लोरी ने ये कहा है कि जब ये किसी पदार्थ के साथ मिलता है तो ये किसका त्याग करता है, ये प्रोटॉन का त्याग करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, लुइस कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये तीनों के साइंटिस्टों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं अम्ल को लेकर, तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है क्षार बेस, या जिसे एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम होता है भस्म। अगेन मैंने बताया था बास क्षार क्या होता है दोस्तों, जब पीएच मान किससे ऊपर होगा, 7 से ऊपर होगा, तो वो होगा क्षार। क्षार ऐसा पदार्थ है जो अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्षार मैंने बताया था कि अम्ल जो है वो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है, धातु के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, और कौन सा, पानी, साथ में H2O भी निकालता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जैसे जब अम्ल पानी में घुल रहा था या किसी पदार्थ में घुल रहा था तो कौन सा आयन निकल रहा था, H+ आयन निकल रहा था। लेकिन जब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी लिखा है, जब ये NaOH, ठीक है, ये जो क्षार है जब ये पानी के साथ मिला है तो यहाँ पर कौन सा आयन निकला है, OH- आयन निकला है। कौन सा आयन निकला है, OH- आयन निकला है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है देखिए, क्षार जब जल में घोले जाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ देते हैं। कौन से आयन छोड़ देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन छोड़ देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अम्ल H+ और क्षार OH-, यहाँ पर लिखा है। बार बार ये पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्षार जब जल में घोले जाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। इनका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। और ये क्या करते हैं, वो नीले को लाल करते थे, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये क्या करता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी क्षार के बारे में। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं क्षार के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या लिखा है, ये धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करने पर क्या करते हैं, सामान्यतम हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। धातु के साथ जब अम्ल अभिक्रिया, ये सॉरी धातु वाला पॉइंट सॉरी दोस्तों यहाँ पर आ गया है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि अभी जब धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, देखिए धातु था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जब अभिक्रिया HCl अम्ल से कराई तो कौन सी गैस निकली, H2O निकली, और MgCl2 एक साथ कंबाइन हो गया। इस गैस की उपस्थिति की जांच के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाएं तो फटफट की ध्वनि से हाइड्रोजन गैस दहन होने लगती है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन गैस की पहचान आप कैसे करेंगे, तो जलती हुई मोमबत्ती को अगर आप इस गैस के आसपास ले जाते हैं तो फटफट की आवाज़ से ये दहन होने लगती है। दोस्तों ये पॉइंट अम्ल का था, यहाँ पर आ गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्षार के बारे में भी मैंने सिर्फ इतना बताया था, नीले लिटमस को लाल कर देता है, पीएच मान 7 से ऊपर होता है, कौन सा आयन देता है, OH- आयन देता है, ठीक है दोस्तों। जैसे अम्ल के प्रकार थे इसी प्रकार क्षार के प्रकार होते हैं। क्षार के प्रकार भी ऐसे ही होते हैं, एक एल्किली होता है और एक बेस होता है, ठीक है। एक तरह से सबल कह सकते हैं और एक तरह से दुर्लभ कहते हैं, जो पानी में घुलनशील होते हैं और जो पानी में अघुलनशील होते हैं। मैंने बताया था जो सबल अम्ल होते हैं वो पानी में जाके विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसका मतलब घुल जाते हैं, जबकि जो दुर्लभ अम्ल होते हैं वो जल में जो होते हैं विखंडित या विलयन नहीं करते हैं और वो टूट नहीं पाते, इसलिए वो दुर्लभ अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, क्योंकि लाल लिटमस को नीले करने के कारण ही स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। आपको बस क्या करना है, कोई ऐसे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, आपको याद रखना है कि कौन से सबल क्षार होते हैं या एल्किली होते हैं, कौन से सबल क्षार होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या होते हैं, ये सबल क्षार होते हैं, ठीक है दोस्तों। पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में जो अघुलनशील होते हैं अगर मैं उनकी उदाहरण की बात करूं तो वो होता है ZnO, CuOH, FeO, Fe2O3, FeO
O3 और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, ठीक है। ये क्या करता है, ये पेट की अम्लता को दूर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH। देखिए जहाँ पर OH आ जाए तो सीधी सी बात है, एक तो वो क्षार है, ठीक है। और बस ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछा गया है वो NaOH पूछा गया है कि क्या है, तो NaH आप याद रखेंगे सबल है, KOH भी सबल है, ZNO, CuOH, FeO, Fe जितने भी ऑक्सीजन से रिलेटेड आ जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड आ जाते हैं, वहाँ पर आ जाता है दुर्लभ अम्ल। किसकी बात करती है हम, किसकी बात होती है, दुर्लभ अम्ल की बात होती है। तो आप ये याद करेंगे दोस्तों, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, ZNO, CuOH, FeO, Fe2O3 और MgOH2, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब दुर्लभ अम्ल होते हैं। और KOH और NaOH कौन से हम क्षार होते हैं, दुर्लभ क्षार होते हैं, और सॉरी KOH और NaOH कौन से क्षार होते हैं, वो आपके सबल क्षार होते हैं, ठीक है दोस्तों, या एल्कली कहा जाता है उन्हें, ठीक है। और देखते हैं क्या बात है। अब जैसे सिद्धांत अम्ल के लिए, तीनों साइंटिस्टों ने अम्ल के लिए सिद्धांत दिए थे, सेम साइंटिस्टों ने तीनों के सिद्धांत क्षार के लिए भी दिए हैं, ठीक है दोस्तों। क्षार के लिए भी सेम सिद्धांत दिए हैं। क्या सिद्धांत दिए हैं, ब्रोनस्टेड ने क्या कहा है कि ये प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। वहाँ पर बोला था कि प्रोटॉन का त्याग करने की क्षमता रखता है, यहाँ पर प्रोटॉन को ग्रहण करने की क्षमता करता है। जबकि लुईस क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन के देने की क्षमता प्रदान रखता है, इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता प्रदान रखता है, उल्टा विपरीत होता है, ठीक है। और आर्गोनियम कहता है ये OH निकालता है, ठीक है, OH आयन निकालता है। तो वहाँ पर आर्गोनियम ने बताया H+ आयन निकालता है, ब्रोनस्टेड और लोरी के सिद्धांत ने कहा था प्रोटॉन निकालता है, तो यहाँ पर कहा प्रोटॉन को ग्रहण करता है। लुईस ने क्या कहा कि यहाँ पर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि वहाँ पर बोला था कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। तो क्षार और अम्ल दोनों अलग अलग हो गए हैं और दोनों के बारे में अलग अलग बताया गया है। तो दोस्तों आई होप ये आपको अम्ल क्षार पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्या सबल अम्ल होते हैं, क्या सबल क्षार होते हैं, क्या दुर्लभ क्षार होते हैं, कौन कौन से क्षार हो गए, कौन कौन से अम्ल उसमें आते हैं, वो मैंने आपको उदाहरण में बता दिए हैं, आप सब याद कर लीजिएगा। इससे बाहर और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। ये OH आयन निकालता है, वो H+ आयन निकालता था, वो लाल से नीले को, नीले से लाल को, pH मान 7 से अधिक, 7 से कम, pH की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये सारी बातें आपको अम्ल और क्षार के बारे में याद रखने हैं। अम्ल को बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर आपका अम्ल और क्षार खत्म हुआ। अब आते हैं हम लवण पर, ठीक है। लवण मतलब सॉल्ट। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है, लवण। मैंने बताया था अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, जिसके उदाहरण के तौर पर साधारण नमक NaCl भी इसका उदाहरण है। ये खाने के लिए होता है। और मैंने आपको जब सोडियम पढ़ाया था, Na पढ़ाया था, तब मैंने आपको सोडियम क्लोराइड बताया था, इसे साधारण नमक भी बोलते हैं और खाने का नमक भी बोलते हैं। जब मैंने आपको धातु में पढ़ाया था तो मैंने ये बताई थी आपको, ठीक है। और खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 भी इसका उदाहरण है। ये सब क्या है, ये सब लवण ही हैं, ठीक है। धोबन सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यार दोस्तों आप ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पॉइंट तो ये ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है, बट ये एक्चुअली मैंने सोडियम में आपको अच्छे से डिस्कस कर दिए थे, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। बेसिकली क्या मैंने बताना चाह रहे हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है KNO3, ये बारूद बनाने में उपयोगी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे बारूद बनाने में कौन सा लवण उपयोगी होता है, KNO3। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, कपड़े धोने में उपयोग होता है, ये पेट की अम्लता दूर करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सीधी सीधी सी बात है, ये लवण के उदाहरण दे रखे हैं। लवण क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको, जब अम्ल और क्षार मिलकर एक सॉल्ट उत्पन्न करते हैं वो लवण होता है। लवण अलग अलग प्रकार के लवण हो सकते हैं, कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए लवण के प्रकार, ठीक है। लवण के प्रकार क्या होते हैं, लवण तीन तरह के होते हैं, या तो लवण जो होगा वो क्षारीय हो सकता है, लवण जो हो सकता है वो अम्लीय हो सकता है, या लवण जो हो सकता है वो उदासीन हो सकता है। उदासीन क्या होता है दोस्तों, जब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब pH मान एग्जैक्ट 7 होता है जैसे पानी, तो वो परिस्थिति क्या कहलाती है, वो परिस्थिति उदासीन परिस्थिति होती है। तो अब यहाँ पर आपको उदासीन लवण या अम्लीय लवण क्या होता है, उनकी डेफिनेशन याद नहीं रखनी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव पॉइंट में उदासीन आपको पता है क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है,
जिसका पीएच मान 7 से ऊपर, क्षारीय का होता है पीएच मान 7 से कम। सीधे ध्यान क्या रखने हैं, उदाहरण, क्योंकि एग्जाम में आता है बताइए कौन सा उदासीन लवण है या कौन सा अम्लीय लवण है। ठीक है, तो देखिए उदासीन लवण की बात करूँ, NaCl, ठीक है, जो साधारण नमक था, NaCl जो था साधारण नमक था वो उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, तो ये चारों क्या हैं, ये उदासीन लवण हैं। आप याद रखेंगे NaCl, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट, सोडियम के तीनों, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट आप ध्यान रखेंगे। अम्लीय लवण कौन से होते हैं, अमोनियम क्लोराइड Na4Cl, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या होते हैं, ये अम्लीय लवण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे उदाहरण, प्लीज़ दोस्तों ये स्नैपशॉट लेकर आप सब याद कर लीजिएगा, थोड़ा दो तीन बार आप अगर अच्छे से देख लेते हैं तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल समझी जा सकती, कुछ चीज़ों को याद भी करना पड़ता है। तो आपको अम्लीय लवण और कौन से अम्लीय लवण हैं, कौन से उदासीन लवण हैं और कौन से क्षारीय लवण हैं, मैंने आपको उदाहरण बता दिए, प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिएगा। सोडियम एसीटेट कौन सा होता है, क्षारीय लवण होता है। सोडियम कार्बोनेट ये कौन सा लवण होता है, ये क्षारीय भी होता है। ठीक है, कुछ क्षारीय प्रवृत्ति के भी होते हैं और कुछ अम्लीय प्रवृत्ति के भी होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सीक्लोराइड CaOHCl, ये सब क्या है, ये क्षारीय लवण हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग मतलब सबल, और देखिए ये एसिड, बेस और सॉल्ट, इससे तो आप कन्फ्यूज नहीं हुए, एसिड माने अम्ल, बेस माने क्षार और सॉल्ट माने लवण। यहाँ पर एसिड मिला कौन सा, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब सबल अम्ल था और सबल क्षार था, जिससे क्या बना, स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल बना। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, जब मैंने एक अम्ल मिलाया NaOH और मैंने एक क्षार मिलाया HCl, तो मुझे क्या मिला, कौन सा नमक मिला, NaCl साधारण नमक मिला, और कौन सा, साथ में पानी H2O, याद रखेंगे H2O साथ में निकलता है। अब क्या हुआ, जब याद रखेंगे, जब स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, जब सबल और सबल, सबल अम्ल और सबल ही क्षार, दोनों स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मिलते हैं तो कौन सा बनता है, उदासीन बनता है। जब अम्ल अगर सबल होता है और जो क्षार होता है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है, दुर्लभ होता है, तो उस केस में क्या बनता है, एसिडिक बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दे रखा है HCl प्लस Na4OH, जब इनको मिलाया गया तो क्या बना, Na4Cl बना और H2O बना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि क्या, जब सबल सबल मिलते हैं तो न्यूट्रल, जब सबल और कमज़ोर मिलते हैं या दुर्लभ मिलते हैं तो एसिडिक, जब जो अम्ल होता है वो वीक होता है और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या बनता है, बेसिक। ठीक है, जब वीक वीक होते हैं तब भी क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपको क्या पता चला कि चाहे दोनों सबल सबल हों, चाहे दोनों दुर्लभ दुर्लभ हों, तो उस केस में क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है। जब एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होता है, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो एसिडिक बनता है, जब बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो बेसिक बनता है। सीधी सी बात है, जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक, जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेस बनेगा। ठीक है, ये पूछ लेता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर उदाहरण भी दे रखे हैं तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे दोस्तों पीएच मान क्या होता है, पीएच मान और क्या रोल होता है इसका, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वही चीज़ अब हमें इसमें देखनी है। यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों पीएच की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, एग्जैक्ट सेवन क्या होता है दोस्तों, अगर मैं एग्जैक्ट सेवन की बात करूँ तो वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, जैसे पानी होता है न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्षारीय और 7 से कम होंगे तो क्या, अम्लीय। यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ है। अब आपको क्या याद करना है, पीएच मान में, पीएच मान की फुल फॉर्म, और पीएच मान निम्नलिखित पदार्थों का पीएच मान आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कुछ प्राकृतिक अम्लों के नाम आपको याद करने पड़े थे, कि जैसे नींबू में कौन सा अम्ल होता है, चाय में मैलिक अम्ल होता था, ठीक है, इसकी किस में ऑक्जैलिक अम्ल टमाटर में होता था, तो इस तरह से ऐसे ही कुछ पदार्थों के पीएच मान दिए हुए हैं, तो वो पीएच मान आपको एग्जैक्ट इज ऐसे कि ऐसे ही याद कर लेनी है। आपको इसका स्नैपशॉट लेना है और आपको ये याद करने हैं। जल का पीएच मान 7 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है,
क्योंकि ये काफ़ी यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि ये खट्टेपन से निकल जाता है, ठीक है, उदासीन की तरफ बढ़ने लगता है, तो इसीलिए 6.4 होता है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3, क्योंकि काफ़ी खट्टा होता है, अम्लीय। याद रखिएगा, अम्लीयता जितनी इधर होगा उतनी ही अम्लीयता ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम इधर बढ़ते हैं अम्लीयता कम होती जाती है, क्योंकि वो क्षार की तरफ बढ़ रहा है, कि मीन्स उदासीन होगा पहले और फिर क्षार की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। 8 जो होगा, 8 का क्षार कम होगा, क्षार ऐसे बढ़ेगा और अम्ल जो होता है वो इधर बढ़ा हुआ होता है, जाते हुए क्या होता है वो घटता चला जाता है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, नींबू के रस का पीएच मान 2.4। देखिए दोस्तों, नींबू बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, तो आप एक अंदाज़ा यहाँ से भी लगाएंगे, तो इसका पीएच मान मैंने बताया था 0 होगा तो पीएच मान सर्वाधिक होगा, मतलब वो अम्लीय सबसे ज़्यादा होगा। तो जब नींबू है तो बहुत ही अम्लीय खट्टा होता है, तो ये अम्लीयता इसकी ज़्यादा होगी, तो 2.4 याद रखेंगे, 2.4। जैसे दूध है 6.4 था, क्योंकि वो अम्लीय कम है, तो जितना उधर की तरफ बढ़ेगा उसकी अम्लीयता कम होगी, और जितना वो पीछे होगा उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, इसलिए वो 2.4 है। और दूध कितना है? 6.4 है। NaCl मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग मिलने से साधारण नमक बन रहा था पीछे, तो वो उदासीन होता है, तो पीएच मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7 हो जाएगा, ठीक है। पीएच मान मापने का पता किससे लगाया जाता है? सेरेनसर। किससे? सेरेनसर, सेरेनसर बोला जाता है इसे, इस मशीन को क्या बोला जाता है? सेरेनसर। ये जो यहाँ पर बनी है, इस तरह से इसे सेरेनसर बोला जाता है। शराब का पीएच मान, शराब भी खट्टे में ही आती है, दूसरे 0.4 और इंक्रीज़ कर दें तो 2.8 हो जाएगा। नींबू 2.4 था, दूध 6.4 था, और ये 2.8 होगा। आंसू, जो आपकी आँख का आंसू होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, लगभग उदासीन की ही स्थिति में होता है वो, ठीक है। इसलिए आपको कुछ उसमें स्वाद आपको जो है वो बहुत ही कम फील होता है, ठीक है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5, समुद्री जल का पीएच मान आप ध्यान रखेंगे दोस्तों 8.5। मानव लार, जो हमारी सलाइवा होती है, उसका पीएच मान लगभग 6.5, वैसे आंसर माना जाता है, लेकिन ये वेरी कर सकता है 6.5 से लेके 7.5 तक। मानव टॉयलेट, जो हमारा जो विषैला पदार्थ, हमारे एसिड निकलते हैं टॉयलेट के रूप में, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 4.8 से लेके 8.4 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ पीएच मान थे, ये एसिड अम्ल क्षार बेस और पीएच के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से मैं आगे वाली वीडियो लेकर आऊँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ताकि हेल्पफुल हो सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।